आज हमें तो ये वरंडा गोल्ड फिश हमारे पास में बहुत ही सीरियस है. उस सीरियस फिश का हम ट्रीटमेंट किस टाइप से किया जाता है उसका थोड़ा प्रोसेस देखेंगे. तो दोस्तों यहाँ पे हमारे फिश को बहुत सारी लूज हो चुकी है, इसको फंगस के काफ़ी इन्फेक्शन प्रॉब्लम है और इसने खाना है तो दो चार दिनों से बंद कर दिया है और इसके जो फिंग है पूरे लूज पड़ गया है. ये बहुत सारी एकदम हलचल भी इसकी एकदम स्लो हो चुकी है. सिर्फ इसकी जो इसका जो मुंह होता है चालू बंद कर रही है कि दाना भी ठीक से नहीं खा रही है. तो इसका हम ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस देखेंगे. दोस्तों यहाँ पे हमारे पास वक्त कम है, इसको जल्द से जल्द हम एक सेपरेट हमारे पास में एक आईसीयू टैंक बनाएंगे और आईसीयू का टैंक बनाने के बाद में सेपरेट उस टैंक के अंदर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे. तो किस किस कौन कौन से मेडिसिन और कौन कौन किस टाइप से ट्रीटमेंट किया जाता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट देखें. तो हमारी हो सकता है कि जो मछली है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम मछली को बचाने के लिए कुछ हेल्प हो सकती है इससे. तो दोस्तों मैं इसको इस हमारे जो एक्वेरियम होता है एक्वेरियम से निकाल के हमारे छोटा वाला जो आईसीयू वाला टैंक है उसके अंदर ले जाते हैं. तो ठीक है देखिए इसको. तो मैं इसको हमारे इस छोटा वाला आईसीयू टैंक बनाया हमने इसके अंदर ले लेते हैं सबसे पहले. मेडिसिन को हम ठीक से भी मिक्स कर देंगे. इसमें तीनों मेडिसिन हमने डाल दिए हैं. थोड़ा सा मैं इसको साइड में पूरा ले रही मिक्स कर रहा हूँ. हमारी फिश बहुत सीरियस है, इसको हम कोशिश करेंगे कि तीन दिन कंटिन्यू इसके अंदर ट्रीटमेंट करेंगे. जैसा कि आज हमने यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो एंटी पैरासिस्ट वाला फंगस वाला जो मेडिसिन है इस मेडिसिन को हमने आधा एमएल यूज़ किया है 5 लीटर में. फिर वाइट स्पॉट का जो मेडिसिन है अच्छे से अच्छा बढ़िया सा इसको डाल दिया है और ये एंटी क्लोरिन है. तो तीन मेडिसिन हमने आज डाल दिए दोस्तों और इसके बाद हम कल का ट्रीटमेंट देखेंगे. कल भी कंटिन्यू इसको तो ट्रीट करेंगे.